हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर हेस्पर्स वीडियो। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि आप किस तरीके से ब्रेन वीटा गेम खेल सकते हैं। आई होप आप लोगों को अभी तक समझ आ गई होगी। मैंने उसका सॉल्यूशन दिया था। वो गेम क्वाइट इजी है, बस आप जब भी बोर हो रहे हो अकेले में, आप उसका कोई और सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। और फॉर वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो मैंने आपको दे चुका है। नाउ कम्स टू टुडेज गेम। आज की गेम में जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ ये गेम इस तरीके की दिखती है। आप में से क्या किसी ने गेम पहले खेली हुई है? और आप लोगों में से किसी ने भी गेम खेली है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। ये गेम मेरे लिए बिल्कुल न्यू गेम थी, मैंने इसे पहले बिल्कुल नहीं खेला था। सो दिस इज़ अ वेरी न्यू गेम फॉर मी। मैंने अपने भाई के साथ खेला और मेरे भाई ने मुझे इसके कुछ रूल्स सिखाए हैं, तो वही रूल्स मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रही हूँ। ये गेम जो है ये टू प्लेयर्स के बीच में खेला जाता है फर्स्टली। और अगर आप इसे क्राफ्ट करते हैं तो कुछ ये इस तरीके से आप क्राफ्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल गेम ऐसा दिखता है जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। कुछ ओरिजिनली ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अबाउट दिस गेम, इसका सबसे पहले रूल नंबर वन ये कहता है कि सबसे पहले जो एब्लॉन गेम में ब्लैक प्लेयर है वो अपना फर्स्ट मूवमेंट करता है एंड देन वाइट प्लेयर। मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे इस गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। हम अपने अपोजिट प्लेयर के 6 मार्बल्स को आउट ऑफ द बोर्ड करना चाहते हैं। अगर हमने इन 6 मार्बल को आउट ऑफ द बोर्ड कर दिया तो हम इस गेम को जीत जाएंगे। जो भी पहले कर देगा वो इस गेम को जीत जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि हम इस चीज़ को किस तरीके से करें। तो इसके कुछ रूल्स हैं इस गेम के, उस रूल्स को मैं आपको बताती हूँ। रूल नंबर वन, सबसे पहले ब्लैक मूवमेंट करता है। ब्लैक चाहे तो 1 की चांस चल सकता है, या चाहे तो 2 की चांस चल सकता है, चाहे तो 3 की चांस चल सकता है। तो अब जैसे ही आपका ब्लैक है, आपने 1, 2, 3 कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। अगर यही ब्लैक आपका इस पोजिशन पर होता तो इसकी जो मूवमेंट होती वो इस तरीके से होती, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। सो ब्लैक की मूवमेंट कुछ इस तरीके से होती, जस्ट मूवमेंट। आई होप अब रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा, पहले रिफ्लेक्शन आ रहा था। तो ब्लैक की मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो ये क्लियर है। अब जिस तरीके से आपने इधर 1 का मूवमेंट किया, वैसे ही आप 2 ब्लॉक्स को भी एक साथ ऐसे मूव कर सकते हैं। जैसे आपने 1 डायगनल डायरेक्शन में, 2, 3, 4, 5, 6। सो इस तरीके से आपका ये मूवमेंट हो सकता है, जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया। सो आप ये 2 को एक साथ कर सकते हैं, आप 3 को एक साथ कर सकते हैं, आप 4 को एक साथ कर सकते हैं। तो आपका जो ये हुआ मूवमेंट एंड डायरेक्शन फॉर ये जो आपके प्ले मार्बल्स हैं उनके लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है, वरना मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और सिमिलरली जब ये 2 भी एक साथ मूव कर सकते हैं वर्टिकली, डायगनली, हॉरिजॉन्टली, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो इस तरीके से इनका मूवमेंट हो सकता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अब दूसरा ये रूल नंबर 1 हमारा ये था, रूल नंबर 2 बोल सकते हैं क्योंकि पहला रूल था हमारा कि सबसे पहला जो मूवमेंट होता है वो ब्लैक करता है। सेकंड रूल था जो मैंने आपको इसके डायरेक्शन के बारे में बताया एंड कि वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगनली ये किसी भी डायरेक्शन में इन अ ग्रुप भी मूव कर सकता है एंड एज अ अलोन भी मूव कर सकता है। अब हमारा रूल नंबर आता है 3 जो कि लास्ट रूल है इस गेम का। वो कहता है कि अगर आपका यहाँ पे एक सिंगल क्वाइन अपोनेंट का यहाँ पे जस्ट सपोज करिए सिंगल प्रेजेंट है, तो अगर ये सिंगल अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप इसको पुश नहीं कर सकते। अगर आपको इसे पुश करना है तो आपके ये 2 प्रेजेंट होने चाहिए तभी आप इसको पुश कर पाएंगे। और आपने एक बार पुश किया और दूसरी बार पुश करेंगे तो आउट ऑफ द बोर्ड चला जाएगा, और जैसे ही आउट ऑफ द बोर्ड जाता है आप इस गेम को जीत जाएंगे। एक के साथ नहीं, आपको टोटल
6 आउट ऑफ द वोट करने पड़ेंगे। तो अगर एक है तो आपको उसके लिए 2 चाहिए, अगर यहाँ पे आपके 2 हैं तो आपको इसके लिए 3 चाहिए पुश करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास 4 हैं और यहाँ पे अगर 3 हैं तो आप इसको पुश नहीं कर सकते। 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से है, तो आप इनको पुश इस तरीके से नहीं कर सकते कि ये आउट ऑफ द बोर्ड जाए। तो रूल हमारा ये वाला रूल ये बोलता है कि अगर आपके पास अगर आपके पास 1 है तो आपके पास 2 होने चाहिए, अगर मार्बल्स होने चाहिए, आप 2 मार्बल के थ्रू 1 को पुश कर सकते हैं, 3 मार्बल के थ्रू 2 को पुश कर सकते हैं, लेकिन आप 4 मार्बल के थ्रू 3 को पुश नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट अलाउड। दिस इज़ ऑल वॉज अबाउट दिस गेम। आप एक बार इस गेम को खेल के देखिए, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वाला गेम है, बट आई एम श्योर आप लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। इनकेस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ये जो मैंने क्राफ्ट किया है ये अच्छा लगता है, तो प्लीज़ गिव लाइक्स टू माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कैन रीच 1000 सब्सक्राइबर एज सून एज पॉसिबल। एंड उसके बाद मैं अपने लाइव सेशंस भी स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं आपको लाइव वीडियोस दूंगा, लाइव आके बताऊँगी कि आप किस तरीके से गेम को खेल सकते हैं इनकेस आपका कोई डाउट होता है। तो तब टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, एंजॉय, हैव अ नाइस नाइट।